नमस्ते, मैं अनिमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज बात करूंगा, चाहे सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट लाइफ हो, लीडर कैसे बने। नंबर वन, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, जो भी टॉप क्लास लीडर है, चाहे बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी हो, या दुनिया में सफल लीडर्स, उनका टॉप क्लास कंटेंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्पीकिंग आता है। जितना अच्छा स्पीकिंग होगा, जितना आप स्पीच को डिलीवर कर सकेंगे, वही अग्रेसिव स्पीच, वही अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल, वही स्पीकिंग पावर दुनिया में जनता के पास, कस्टमर्स और ऑडियंस के पास बड़ा मैसेज जाएगा, वहां से लीडर पैदा होती है। देखिए, जो भी लीडर एग्रेसिव तरीके से स्पीच देता है, एग्रेसिव तरीके से चलता है, बोलता है, स्पीकिंग देता है, कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर आता है, वही सफल लीडर है। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति, मतलब जो अच्छा बोलता है वही अच्छा नेता होता है। नंबर टू, टीम बिल्डिंग। देखिए, अगर बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में लीडर बनना है तो एक पावरफुल टीम होगा। अगर आपके पास आपके सपोर्टर बेस, वर्कबल असिस्टेंट बेस, बड़ा टीम नहीं है तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर बनने के लिए पावरफुल, हार्ड वर्कबल, टैलेंटेड टीम होना जरूरी है। टीम वर्किंग के जरिए ही आपको प्रमोट किया जाएगा। देखिए, टॉप सीक्रेट मैं बताता हूं, अगर लीडर बनना है तो दूसरों को लीडर बनाओ, सफल बनना है दूसरों को सफल बनाओ, कुछ खाना है दूसरों को खिलाओ, कुछ इनकम करना है दूसरों का इनकम कराओ। देखिए, लोगों का नीड पूरा करो, खुद का ग्रीड पूरा करो। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। देखिए, लोगों का हेल्प करो, लोगों को सर्विस दो, लोगों को सपोर्ट दो, लोगों को अच्छा फीलिंग्स महसूस कराओ। ये लीडरशिप क्वालिटी का सबसे बढ़िया सीक्रेट है। जब आप दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तभी आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जनता उसी को लीडर मानता है जो जनता के हक में बोलता है, जनता की आवाज को सुनता है, जनता की फीलिंग्स को महसूस करता है। नंबर थ्री, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। देखिए, जमाना फास्ट हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, वहां पे आप कहां तक खुद को प्रमोट कर पा रहे हो? जितना प्रमोट होगा सोशल मीडिया पे, आपका ब्रांडिंग होगा, वही पर्सनल ब्रांडिंग आपकी लाइफ में, आपकी पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, स्टूडेंट लीडरशिप या बिजनेस लीडरशिप या कॉर्पोरेट लीडरशिप में, वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। अगर सोशल मीडिया पे आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका फॉलोअर्स, आपका फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, आपका व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो आप लीडर बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है? देखिए, लीडर जैसा करेगा फॉलोअर ऐसा करेगा। लीडर कौन अच्छा लीडर होता है? जो काम को खुद की जिम्मेदारी से करता है। देखिए, जब आप चुनाव हार जाएंगे या कोई व्यापारिक डील हार जाएंगे तो जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जब जीत जाएंगे तो जिम्मेदारी सपोर्टर, आपके टीम को देना पड़ेगा। देखिए, हार आपको लेना पड़ेगा तभी आप बड़ा लीडर बनेंगे। अगर हारने के बाद, अगर डील या शेयर घटने के बाद, अगर एक लीडर होने के नाते आपने आपके आसपास के लोगों को जिम्मेदारी दे दी और खुद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ली, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, वही अच्छा लीडर होता है जो हारने के बाद सामने आता है और जीतने के बाद लोगों को सामने करता है। देखिए, फैन फॉलोइंग, फॉलोअर, सपोर्टर बेस उसी से आता है। इसके बाद क्या आता है? स्ट्रॉन्ग। देखिए, स्ट्रांगनेस या स्ट्रेंथ एक बड़ा पावर है। मतलब आप कौन सा स्किल, कौन सा एटीट्यूड आपका स्ट्रांग है, वहां से आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, सोसाइटी का लीडर हो, स्कूल या बिजनेस में, स्टूडेंट लीडरशिप या बिजनेस में जो भी लीडर है, उनका स्ट्रेंथ पॉइंट, स्ट्रांग पॉइंट क्या है? लीडरशिप में सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है आपका यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। इंडियन पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कुछ कुछ लीडर है जिनका ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं जाता जाएगा, जैसे महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा, जॉर्ज वाशिंगटन, ये लोग कौन है? उनका ऑनेस्टी उनका पावर है। तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो स्ट्रांग पॉइंट है, वही आपको लीडर बनाएगा। अब अगर आपके अंदर पावर नहीं है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, अगर आपके अंदर फोकस क्लियर नहीं है, अगर आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लीडर को आगे आना पड़ेगा, खुद को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिंदगी में जितना आगे बढ़ेंगे, जितना जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वहां से आपके अंदर एक ताकत आएगा, लीडरशिप क्वालिटी वहां से पैदा होगा। इसी तरह अगर लीडरशिप क्वालिटी के बारे में और कुछ जानकारी लेना है
तो आइए हमारी सक्सेस 100x प्रोग्राम में, अभी दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और कैसे लीडर बने, कैसे मोटिवेशन इंस्पिरेशन ले, यहां से हैंड होल्डिंग सपोर्ट के जरिए खुद को अपडेट करिए और इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए और लीडर बनने के लिए, खुद को सपोर्ट देने के लिए, अपडेट करने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू।